नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आपको पता है कि बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, कई सारे हिंदू घरों पर पथराव हुआ था, हिंदुओं को देखिए मारा गया था। और अब देखिए माहौल ये बन गया है कि सासाराम में, नालंदा में, बिहार शरीफ में, कि वहां पे हिंदू जो है वो पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। अब देखिए खबर ये आ रही है कि अमित शाह का, देखिए आपने बयान सुना था कि जिसमें साफ बोल दिया था कि जिन्होंने भी दंगा किया है, अगर बिहार में सरकार आ जाती है हमारी या लोकसभा में दोबारा देखिए बहुमत के साथ आएंगे हम, तो दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे, ये अमित शाह ने बोला था। अब देखिए कि जो राबड़ी देवी है, जो कि पूर्व सीएम है, लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, तेजस्वी की माँ है, अब उन्होंने देखिए एक बयान दिया है आज ही, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए उनका बयान आया है, जिसमें साफ बोला है उन्होंने कि अमित जो अमित शाह का बयान आया था उस पर ही देखिए पलटवार करते हुए उन्होंने बोला है कि अमित शाह ने जो बयान दिया है वो बेहद ही गलत है, और जिनको वो बोल रहे हैं उल्टा लटका देने वाली, वही देखिए उनको उल्टा लटका देंगे अगर चुनाव होते हैं। तो ये काफी देखिए बड़ा आरोप और बयान जो है वो राबड़ी देवी ने दिया है, और क्या कुछ बोला है सुनिए उनके। बीजेपी हंगामा चालू और दंगा फसाद चालू, पार्टी है दंगा कराने वाला, बीजेपी करवाता है, बीजेपी हल्ला करता है। अमित शाह आए थे उसके पहले हंगामा हो गया, पूरा देश भर में घूम रहा है लो ना, आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, पूरा देश भर में छिड़े हुए हैं। भाजपा करेगी जा रहा है दंगा हो, दंगा तो वही लोग करवाता है, जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं जो भी दंगा वाला लोग हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे, गृह मंत्री की भावना पर क्या कहिएगा। तो देखा कैसे आपने कि राबड़ी देवी ने ये बयान दिया है। अब देखने वाली बात है कि जो भाजपा है वो क्या कुछ देखिए इस बयान के पलटवार में बोलती है, और साथ ही साथ देखिए जो बिहार शरीफ में, सासाराम में, नालंदा में जो दंगे हुए उस पर नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अभी तक चुप थे। नीतीश कुमार ने जितना भी सारा ब्लेम है, सारा दोष है वो बीजेपी पर मर दिया है, लेकिन बीजेपी पर मर तो दिया है, लेकिन जिन्होंने दंगा करा था उनका क्या होगा, ये नीतीश कुमार का जवाब अभी तक नहीं आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।